हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर जनवरी की 2018 की। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और जो भी मेरा दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा करके और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 2017 की पूरी 12 महीने की करंट अफेयर मैं आपको कवर कराने वाला हूँ 12 वीडियो में। हर एक मंथ की अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी आपकी करंट अफेयर कराने वाला हूँ। ठीक है, वो सारी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस और आपके जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, तो उन सभी वीडियो को आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और प्लीज़ हो सके तो यार लाइक और शेयर कर दिया करो अपने फेसबुक पे, ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जहाँ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। शेयर का बटन होता है एक ऐसा करके, ठीक है, तो उसे आप शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्कूलों की सुरक्षा को लेकर किस सरकार, ये इस है, इसमें सारी जगह गलत हो रखा है, ये किस होगा। ठीक है, किस सरकारी संस्था द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। NCPCR, वह देश जिसने अपने प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ईरान। किस राज्य के हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि महिला टेरिटोरियल आर्मी प्रादेशिक सेना में काम करने के लिए पात्र है, दिल्ली। नेक्स्ट है आपका, ट्रंप प्रशासन ने जिस देश की सीमा पर दीवार बनाने हेतु 18 अरब अमेरिकन डॉलर का प्रस्ताव रखा है, मैक्सिको। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत जिस देश की कंपनी कंगनाम के साथ 32,640 करोड़ रुपए का माइन काउंटर मेजर वेसलस MCMV रक्षा सौदा रद्द कर दिया गया है दक्षिण कोरिया के साथ में। ये हमारा जो समझौता था उसे इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। किस देश के बल्लेबाज एलिस्टर कुक एशोज ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है दोस्तों, वह अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जिसके साथ भारतीय मित्र के 25 वर्ष पूरे हुए, आसियान। इसरो द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे वजनी सैटेलाइट का नाम है GSAT-11। खेलों से संबंधित किस योजना को लोगो हाल ही में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लॉन्च किया, खेलो इंडिया। वह राज्य जिसमें बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उत्तर प्रदेश। भारतीय मूल के किस अमेरिकी अभिनेता और हास्य कलाकार को 8 जनवरी 2018 को आयोजित किए गए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में एक म्यूजिकल कॉमेडी टीवी सीरीज का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, अजीत अंसारी को। भारत और किस देश के बीच ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन MOU की स्वीकृति प्राप्त हुई है, ब्रिटेन। किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन 7 जनवरी 2018 को जयपुर राजस्थान में हो गया, श्री वल्लभ व्यास। ये किस है, यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। किस देश ने 4 जनवरी 2018 को पाकिस्तान से सभी प्रकार के सुरक्षा सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है, अमेरिका ने। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु फ्रेंचाइज द्वारा IPL 2018 के लिए जितने करोड़ रुपए में रिटेन होने के साथ विराट कोहली IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, 17 करोड़ रुपए में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और ATM मैन्युफैक्चर से किस मूल्य वर्ग के नोट के लिए ATM में बदलाव करने हेतु निर्देश जारी किए हैं, 200 रुपये।
स्वास्थ्य मंत्री ने किस संस्था के साथ मिलकर पहला ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम आरंभ किया? टाटा मेमोरियल सेंटर, राष्ट्रीय राजमार्ग की भांति भारत में इस किस मार्ग पर पहले राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई? हल्दिया वाराणसी। ये आपका जलमार्ग वन होगा, ठीक है? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डीपली भी पढ़ेंगे हम। हाल ही में भारतीय रेल ने किस राज्य में 100 साल पुराने पुल महज 7 घंटे में तैयार कर दिया? उत्तर प्रदेश। किस देश ने पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन करने वाले देश की विशेष निगरानी सूची में डाल दिया? अमेरिका। कैबिनेट ने तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच MOU को मंजूरी दी? इजराइल। केंद्र सरकार ने ई वीजा पर आए क्रूज पर्यटकों को बायोमेट्रिक नामांकन से जिस वर्ष तक छूट प्रदान की है, 2020 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि सीमा पार करने संबंधित भारत और किस देश के समझौते को मंजूरी दी है? म्यांमार। किस राज्य के सिनेमा घरों में फिल्म से पहले कुंभ 2019 का लोगो भी दिखाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने निर्यात और वित्तीय लेन देन के लिए चीन की मुद्रा युआन के इस्तेमाल की अनुमति दी है? पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भीम कोरेगांव हिंसा की न्यायिक जांच का आदेश दिया है? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की ताज़ा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी जी साथियान किस स्थान पर पहुंच गए? 49वें, 49। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति हर महीने औसत डाटा खपत है 1.6 GB। 1.6 GB प्रति व्यक्ति हर महीने खर्च करता है इंडिया में। हिमाचल प्रदेश का वह स्थान जहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? बिलासपुर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए लंदन के साथ किस समझौते के तहत MOU को मंजूरी प्रदान की गई है? ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन। वह राज्य जहां हाल ही में पहली बार CNG सप्लाई आरंभ की गई है? पंजाब। मेडिकल शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण किस आयोग के गठन की योजना बनाई जा रही है? राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। वह टीम जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के बाद 17 साल बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी हुई है? बिहार। किस देश की नौसेना ने स्वदेश में निर्मित हर्ब नौसेना क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पाकिस्तान। GST के तहत एकीकृत कंपोजिशन योजना का विकल्प चुनने वाले मैन्युफैक्चरर के लिए कितने प्रतिशत की निचली दर को अधिसूचित किया गया है? 1%। वह देश जिसने 7,680 मील प्रति घंटे की गति तय करने वाली हाई स्पीड मिसाइल बनाने का दावा किया है? चीन।
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत भारतीय टीम टेस्ट में पहले, वनडे में दूसरे और T20 में किस नंबर पर है तीसरे। तो ये आपको तीनों याद रखना है। ताजा रैंकिंग में टेस्ट में इंडिया पहले पे है, वनडे में दूसरे नंबर पे है और T20 में तीसरे नंबर पे है। हाल ही में खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त होने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूसरे राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जिस देश के राष्ट्रपति निकोलस बादुरो ने न्यूनतम मजदूरी में 40% की वृद्धि करने की घोषणा की है, वेनेजुएला। नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर कायम है, दूसरे पर। भारत के किस पूर्व रॉ प्रमुख को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, राजेंद्र खन्ना को। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस ग्रह से मिलते जुलते चार एक्सोप्लेनेट की खोज की है, बृहस्पति। भारतीय कंपनी जिसने हाल ही में गुजरात के सौराष्ट्रीय स्थित जामनगर में विश्व के सबसे बड़ी गैस क्रेकर रिफाइनरी ROGC आरंभ की है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। तो दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। और आप जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, पूरी दिसंबर नवंबर, मैं दिसंबर से स्टार्ट करूँगा और जनवरी तक जाऊँगा 2017 की, ठीक है। वो पूरे आपको देखने हैं हर एक पार्ट। अगर आप वो सारे पार्ट देख लेते हैं तो आपकी पूरी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और बेल आइकन कौन रखना, अब आपके पास ऑटोमेटिक वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आ जाया करेगा कि वीडियो डल गई है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी आपका सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, और इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का PDF लेने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।